आपने उसका एग्जांपल देखा, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है जिसने पता नहीं कितने वॉइसेस के साथ क्या क्या किया हुआ है कि जस्ट नाउ टू मिनट्स बैक आई आस्क्ड हिम कि व्हाट अबाउट योर प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड ही वेरी प्राउडली टोल्ड मी कि बीसीसीआई ने उसको ब्लॉक करवा दिया है बिकॉज दिस गाय डज ऑलमोस्ट ये टेबल की मिमिक्री कर सकता है सो धोनी प्लीज बिग हैंड फॉर आरजे लकी सारी आवाजें मैं निकाल लेता हूँ ऐसा रौनक भाई ने बोला बट एक आवाज है जो मैं नहीं निकाल पाता हूँ और वो दैट इज द मोस्ट फेवरेट वॉइस ऑफ दिल्ली दैट इज तो वो आवाज मैंने बड़ी ट्राई करी मैं निकालू वो निकल नहीं पाई मैं बंद निकाल Because मेरा चैनल भी बहुत टाइम से निकालने की कोशिश कर रहा है बट वो आवाज नहीं निकाल पा रहा है इसलिए निकाल नहीं रहा है तो अभिनव से बहुत पुराना रिश्ता रहा है हालांकि मैं स्ट्रेट हूं मतलब ऐसा ये मेरा जूनियर था 3 साल छोटा था मेरे से और जैसे इसने बोला इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा जो होता है तो वो फायदा मुझे भी मिला है लाल मार्क बहुत थे हमारे रिपोर्ट कार्ड पे दोनों के Then, ऐसे इसने बोला कि इंटर्नशिप इसने करी है सबके साथ तो मेरे साथ भी करी एंड इट्स यू नो इट्स वो थोड़ा सा बुजुर्ग साउंड कर रहा हूँ बड़ी प्राउड मोमेंट है हाँ माय फर्स्ट आरजे हंट जो ट्रॉफी मुझे दी थी वो लकी ने दी थी या बदले में इसने मुझे कुछ नहीं दिया अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये कुछ मुझे देगा बट ये इसने जो करके दिखाया है यू नो ये फेसबुक पे बहुत फेमस है जो फाड़ से पहले वर्ड वो नहीं बोलूंगा मैं फाड़ मैजिशियन है ये सो वी आर ऑल हियर टू प्रमोट ईच अदर थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन भी कर लेते हैं किंग खान शाहरुख खान का मैं फैन हूँ और ये चीज मैंने उनसे सीखी है कि हमें जान कहाँ करते थे कि कोई भी प्रमोशन छोटा नहीं होता और प्रमोशन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो आवाजों की रही बात बहुत सारी आवाजें हैं जो मैं निकालता हूँ सबसे पहले इस सेशन का मुद्दा यह था कि इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं राइट अर्चना इंटरस्टिशियल्स कल यही बात हुई मेरी अभिनव से कह रहा भाई मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं ये होता कैसा है मैंने कहा भाई ये जो तू करता है वही होता है सो इंटरस्टिशियल्स आर बेसिकली द स्पार्कलर्स ओके यहां मैं इंटरस्टिशियल का सब्स्टिट्यूट स्पार्कलर बना लिया उसका भी क्या मतलब है तो जैसे इनका बउआ है अभिनव जो आप धरना कुमार सुनते थे पहले तो वो इसकी उपज थी एंड आई यूज टू डू सत्य है कड़वे दैट वॉज अ स्पूफ ऑफ सत्यमेव जयते तो ये सारे जो होते हैं ये स्टेशन स्पार्कलर्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल्स होते हैं एंड इंटरस्टिशियल्स आर वेरी मच नेसेसरी मतलब जैसे हलवाई की दुकान में छोले भटूरे हर हलवाई की दुकान में छोले भटूरे आपको मिलेंगे अब किसके अच्छे हैं कम अच्छे हैं ज्यादा अच्छे हैं तो जैसे छोले भटूरे जरूरी हैं हलवाई के लिए इंटरस्टिशियल्स ये एक रेडियो स्टेशन के लिए जरूरी है और अगर जावेद साहब होते तो यही कहते हैं कि पहले की बात करना चाहते हैं कि पहले जिस तरह से आज की डेट में शादी के लिए हर एक ग्रूम के लिए भी आजकल देखिए दूल्हे के लिए भी देखिए जिस तरह से आजकल बहुत जरूरी है ब्लीच और फेशियल भाई दूल्हे के लिए भी जरूरी है आजकल ब्लीच और फेशियल उसी तरह से हर रेडियो स्टेशन के लिए जरूरी है इंटरस्टिशियल ये साफ पीली सी बात जो है ये हमने कर दी है माइक थोड़ा सा गीला हो चुका है तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं और बार 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 बार। आपका घुटना छुप रहा था वहां से और एक आवाज जो बड़ी चहेती है मेरी वो अभिनव की बहुत चहेती है मेरी बहुत चहेती है और सबकी बहुत चहेती है बस एक दिन जो था वो एक दिन था जब वो आवाज ने सबको ऐसा शौक दिया था जब टीवी पे आया था 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब से मान्य नहीं होंगे तो उसके बाद से लोगों को बड़ी परेशानी हुई क्या मैं गलत कह रहा हूं बहन जी मैं क्या गलत कह रहा हूं क्या मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन आज की डेट में भी
ही लोग परेशान हैं, तो उसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, मुझे 2 साल का वक्त दीजिए, मैं आपको बता के बताऊंगा। मैं आपसे 2 साल का वक्त मांगता हूं, क्या मुझे वक्त मिलेगा क्या, या हरी स्वेटर वाले क्या मुझे वक्त मिलेगा क्या? मिलेगा। तो अपने मन की बात मैं रेणियों पे करता हूं, सामने वालों का मैं भूल जाता हूं। मैं समय कहता भैया अपने मन की बात तो इन्होंने कर ली, हमारे मन का क्या। तो ये कुछ एक आवाज है, एक आवाज जो मतलब आई फील कि अगर मैं शायद अगर उनकी डबिंग करूं तो शायद मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। एक आवाज है जो थोड़ी सी उसके लिए गर्दन को टेढ़ा करना पड़ता है। आप लोगों को नहीं करना होगा, मुझे करना होगा। जब भी ये गर्दन टेढ़ी होती है तो यही आवाज निकल के आती है। कभी कभी मेरे दिल पे सवाल आता है कि सर के मुंह पे हर 5 सेकंड बाद ये रुमाल कैसे आ जाता है। सर आपके दांत इतने खूबसूरत है, आई एम श्योर इसमें वो चीज नहीं मिली हुई जिसकी मैं ऐड करता हूं रेडियो पे। यार सबकी सुबह केसरी है और सबसे अच्छा अखबार पंजाब केसरी है, ऐसा बचपन में मुझे लगता था क्योंकि उसपे फोटोज बहुत अच्छी सी आती थी। किसी के दांतों को काला करता था, किसी की पूछे बनाता था, बड़ा मजा आता था। मुझ पे ऐसे हंसोगी नंदिनी, मुझ पे ऐसे हंसोगी तो आता बाजी सटक लिया हो जाएगा। तो ये एक आवाज है, आवाजें बहुत सारी हैं, बट एक जो अभी रौनक भाई ने बोली थी धोनी की आवाज में थोड़ी बहुत ठीक ठाक से कर लेता हूं। तो वेल यू नो द बॉयज प्लेड रियली वेल, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आजकल यू नो जड्डू और अश्विन बहुत परेशान है मुझसे, यू नो, क्योंकि मैं उनकी प्रमोशन नहीं करवा पा रहा हूँ, बिकॉज यू नो चहल और यू नो कुलदीप बहुत अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं। तो आजकल मैंने जड्डू को और अश्विन को ना घर पे छोड़ रखा है, यू नो सब्जी वब्जी लानी होती है या सिलेंडर विलेंडर खत्म हो जाता है, यू नो, तो वो जो भरने का काम करते हैं यू नो वो लोग करते हैं। एंड आजकल चीकू भी थोड़ा सा बिजी हो रखा है, सो यू नो ऐसा करके मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज द वे यू नो आई मिमिक धोनी थोड़ा बहुत से, एंड बहुत सारी वीडियोस है जो मैं डब करता रहता हूँ। जैसे अभी रौनक भाई ने कहा अभी पेज मेरा ब्लॉक हो चुका है, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू पुट वीडियोस। बाय चांस आपने देखी हो नेहरा जी की फेयरवेल वाली वीडियो थी, एक अपना विराट अनुष्का की शादी के रिसेप्शन की कुछ वीडियोज थी, तो वो डबिंग करी, तो उसमें बड़ा मजा आता है। आवाजों का ही खेल है सारा, कैरेक्टर्स है जो कुछ मैं करता हूँ। एक मनचंदा साहब का कैरेक्टर है जो मैं करता हूँ, तो वो अपने मनगढ़ंत सवाल पूछते हैं। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक मनगढ़ंत सवाल है बेटी कुछ इस तरह का सवाल होता है, बहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो आप मेरे को बताओ, मैं मनचंदा, मैं एक बार गया एक डेंटिस्ट के पास, है नहीं, डेंटिस्ट के पास मैं गया, डेंटिस्ट का नाम था सिमरन। तो सिमरन ने मेरे से पूछा मनचंदा जी कहां दर्द हो रहे हैं, तो बताओ मैंने उसको क्या कहा होगा। डेंटिस्ट का नाम है सिमरन, मैं उसके पास गया, उसने कहा मनचंदा जी कहां दर्द हो रहे हैं, तो बताओ मैंने उसको क्या कहा। ओए होए होए, मेरी नॉटिनेस बाहर तक झलक रही है। नहीं, मैंने उसको कहा, जब उसने मेरे से पूछा ना मनचंदा जी कहां दर्द हो रहे हैं, तो सिमरन थी ना सिमरन, तो मैंने उसको कहा जॉ सिमरन जॉ। तो ऐसे कुछ पीजेस होते हैं जो वर्क करते हैं रेडियो पे, बट अगर ये इस आवाज में मैं सुनाता तो आप अंडे टमाटर अगर आपने रखे हो नीचे तो फेंक के मारते। तो कैरेक्टर्स का यही फायदा होता है कि आपको उनसे थोड़ा सा प्यार हो जाता है। अगर ग्रोवर जी कुछ भी बोलेंगे ना, जैसे सुनील ग्रोवर बोलते हैं ये क्या हो जाना है यहाँ पे, भाभी जो है ना ये बहुत कुछ भी बोलती तो अच्छा लगता है, अब कुछ नहीं भी बोलेगी तो भी अच्छा लगेगा, हम सिर्फ इतना बोलेंगे हमारा नाम रिंकू भाभी है तो इसमें भी हंसी आ जाता है लोगों को। तो कैरेक्टर का जो है यही फायदा होता है, और ये कैरेक्टर जो है जो आज तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। ऑलराइट, हाँ, वो एक कैरेक्टर है जो मैं ऋतिक रोशन की आवाज में बताना चाहूंगा। ऑलराइट, हाय दिस इज ऋतिक रोशन, एंड जिस तरह से मेरे और कंगना के रिलेशन को, कंगना के रिलेशन का
मैंने और कंगना के रिलेशन को बना दिया था हवा बना दिया था Now let's give a big round of applause for one and only